खबर बुलंदशहर से, जहां पर दलित रेप पीड़िता की मौत हो गई है। तो इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया। आरोपी पर कार्रवाई न होने के चलते दरअसल आत्मदाह की कोशिश पीड़िता के जरिए की गई थी। पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स लाया गया, लेकिन पीड़िता को बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान ही पीड़िता की मौत हो गई। तो अगस्त महीने में दबंग आरोपियों ने रेप किया था और पीड़िता ने मामले को दर्ज कराया, लेकिन कोई कार्रवाई जब आरोपियों के खिलाफ नहीं हो पाई तो इससे आहत होकर पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। तो आरोपियों पर कार्रवाई न होने के चलते आत्मदाह किया गया और एम्स ले जाया गया। दरअसल हालत काफी नाजुक थी, इस दौरान एम्स ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया। तो बेटियों पर बर्बरता और उनके प्रति अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके बाद शासन प्रशासन लगातार कोशिश करता हुआ कि न्याय दिलाया जाए आरोपियों को, लेकिन वो धरातल पर होता हुआ दिखता नहीं है। और नतीजा यही कि कार्रवाई जब आरोपियों पर नहीं होती है तो बेटियां इस तरह से ये कदम अपनी जिंदगी के साथ उठा लेती हैं। चले गए में पर बुला के ले गए। अच्छा, कहाँ पर? इंजे कोई कहाँ पर? मुस्ती ले गए। अब कह रहे अगर तेने के केस कराए ना तो तू मार देंगे हम। उन्होंने दो चार हफ्ते मारे मेरे, फिर वो चले गए, मैं आ गई। अच्छा, कहाँ लगा गई? पति मैंने मट्टी को तेल छिड़को तो जब आग लग गई मैं अपने आप ही। और समीर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, एक और बेटी जिसने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसी से आहत होकर खुदकुशी कर ली, और अब जब एम्स ले जाया गया नाजुक हालत में तो बचाया नहीं जा सका। 24 घंटे में दो मासूम जिंदगी से अलविदा कह के जा चुकी है। दोनों के साथ ही रेप हुआ था, दोनों ही रेप पीड़िता थी, इंसाफ के लिए दरदर भटक रही थी। इस तरह से 80% की झड़प चुकी थी दिल्ली के अस्पताल में जिले के। और जैसे पहले इन्होंने बयान में बताया कि भाई मेरे ऊपर इस तरह से दबाव डाला जा रहा है, परेशान मुझे किया जा रहा है, यदि मैं केस वापस ले लेती हूँ तो जान से मरने की मुझे धमकियां मिल रही है। 80% की झड़प से चुकी थी पीड़िता, इसलिए इलाज के दौरान ही मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कब तक आखिर रेप पीड़िता इस तरह से सुसाइड करेंगी। समीर, ये बताइए, कार्रवाई ना होने से नाराज थे और इसलिए अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहा, क्या कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ हो पाई है? फिलहाल एसएसपी बुलंदशहर द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो नामजद टेरी दी गई है 5 लोगों के नाम है, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है रेप का वो जेल में बंद है, उसके ये रिश्तेदार है जो लगातार पीड़िता के घर पर जाकर दबाव बना रहे थे, फैसले का उन तमाम लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। दो लोग गिरफ्तार हुए, बाकी अन्य लोग बाकी हैं। चलिए, धन्यवाद आपका समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।